अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। उन दिनों अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था, वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था। वह युद्ध से उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक था। फलस्वरूप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ताना बाना अमेरिका पर निर्भर था। अपने आर्थिक संकट के कारण अमेरिका ने जर्मनी, ब्रिटेन आदि को उधार देना कम कर दिया। अपनी कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात कम कर दिया। 1930 से देखते देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व पर छा गया। भीषण मंदी का प्रभाव सोवियत रूस पर सबसे कम पड़ा और वहां उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला यह कि रूस उन दिनों विश्व आर्थिक व्यवस्था से बहुत कम जुड़ा था और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। दूसरा कारण यह था कि रूस में समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सरकार की केंद्रीय योजना के अनुरूप आर्थिक विकास किया जा रहा था, जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई दूरगामी असर नहीं था। लोगों के आंदोलन और शासन की पहल। 1929 की भीषण मंदी के कारण जगह जगह त्रस्त लोगों के आंदोलन हुए और बहुत तेजी से लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोह भंग हुआ। अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांत विकसित किए। पहले यह माना जाता था कि सरकारों को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए और उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। अब सभी यह स्वीकार करने लगे कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। जॉन कीन्स नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। इससे लोगों की बाजार में चीजें खरीदने की क्षमता बनेगी और मांग फिर से मजबूत होगी। इस प्रकार राज्य द्वारा उत्पन्न मांग से आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना। उसने न्यू डील की घोषणा की, जिसमें आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। इसका वास्तविक असर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ 1939 के बाद आया, जब सरकार पर युद्ध के हथियार बनाने तथा सेना की जिम्मेदारी आई। इस दौरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत सभी सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए एक पेंशन योजना बनाई गई। बेरोजगारी बीमा तथा विकलांगों और जरूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पिता ना हो, कल्याणकारी योजनाएं बनाई गईं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु सुरक्षा संबंधी योजनाएं भी बनाई। यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी, जिसमें राज्य सभी नागरिकों को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दे और उनकी सभी मौलिक आवश्यकताओं, जैसे अन्न, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल तथा शिक्षा का ख्याल रखें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी सरकारों ने इस नीति को अपनाया। वास्तव में भीषण मंदी 1939 में समाप्त हुई, जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ।